हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरवी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के मॉक टेस्ट के संबंध में। और ये मॉक टेस्ट जो है वो सीटेट 2019 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस वीडियो में 30 में से 25 प्लस नंबर लाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है पर्यावरण अध्ययन के लिए। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए। ज़रूरी नहीं है कि 25 सही है तो आपकी तैयारी अच्छी है, अगर एक दो नंबर कम भी होगा तब भी आपकी तैयारी अच्छी है। तो शुरू करते हैं, पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू कीजिए। और आज का एक सुबह का मॉक टेस्ट था बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, जिसमें कुलदीप साहू ने काफ़ी अच्छा किया, 30 में से 29 नंबर लाए, तो काफ़ी अच्छा रहा। आज का दूसरा मॉक टेस्ट हमारा पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न है, जिसका पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किसका ध्यान रखेंगे? बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों लड़कियों को समान रूप से रुचकर लगे, इसमें मूल्यांकन सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचकर लगे। तो बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन सेकंड। देखिए, बच्चों की रुचियां का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते समय इन तीन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका सेकेंड सही है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है? बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, प्रवणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा इस प्रश्न के अनुसार? तो सोचिए और बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, 7 से 8 सेकंड का टाइम दूंगा सोचने का, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ता चल रहा हूँ तो जो है आपको पता हो जाना चाहिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, इसका जो आपका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन आपका 4 सही है। पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप में क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं केवल एक कथन छोड़कर, ये जो आपका चौथा कथन है ये तर्क नहीं प्रस्तुत कर रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका आपका ऑप्शन सही है मौखिक प्रश्न, ऑप्शन 3 सही है। बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से मौखिक प्रश्न जो विधि है वो सबसे उपयुक्त है। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? पहला है कुछ सब्जियां फल होती हैं, दूसरा है बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, तीसरा है गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, चौथा है घास पौधा नहीं है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से कौन सा सही है? तो इसका आपका ऑप्शन सही है पहला। देखिए, अगर आप सीटेट के मॉक टेस्ट कर रहे हैं, और देखिए सीटेट का जो पेपर आता है वो अंडरस्टैंडिंग पे जो है काफ़ी डिपेंड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप जो है सीटेट का पेपर अच्छा कर लेंगे। तो करते हैं अगला प्रश्न हम, और प्रश्न हमारा, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा,
कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछें कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, प्रयोग। आकलन की संभावना नहीं है तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन 4, प्रयोग जो है वो इससे संबंधित नहीं है। बाकी चर्चा करना, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति करना जो है इससे संबंधित है। अगला है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, पढ़कर बताइए आप लोग। तो शायद आपने अपना आंसर ढूंढ लिया होगा। इसका आपका आंसर सही है ऑप्शन सेकंड, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना। इससे जो है कि रद्दी से सामग्री, कुछ उपयोगी सामग्री बना कर लाना, अगर शिक्षक ऐसा कहता है तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो विद्यार्थियों को श्रेणियों में बांटेगा। बाकी तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सही हैं, दूसरा ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए चार प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है पढ़ करके। तो इसका आपका ऑप्शन सही है पहला, बच्चों तथा शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक जो है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए आपको बताना है। बहुत ही आसान था प्रश्न, इसका ऑप्शन आपका थर्ड सही है, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक की भाषा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। कौन सा ऑप्शन सही आपको बताना है, पढ़ करके बताइए। तो जो इसका ऑप्शन सही है वो थर्ड सा ऑप्शन सही है, सृजनात्मकता का विकास करना है, अवलोकन का विकास करना है और वर्गीकरण कौशल का विकास करना है। ये तीन जो आपके कथन है ये सही हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन थर्ड सही है। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे छह उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं, वह एक कारण कौन सा है? विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य और पौधे एक दूसरे के घनिष्ठ होते हैं, चौथा है आपका इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएँ विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही है लगता है बताना है आपको। तो देखिए, इसका जो पहला वाला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, ये वाला जो कारण है, इस कारण को छोड़कर बाकी सभी जो कारण हैं आपके हो सकते हैं,
इसीलिए इसका ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है समुदायों के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, आकलन के एक अवसर के रूप में इनका उपयोग करना। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। चारों ऑप्शन इसके सही हैं, मतलब चारों कथन इसके सही हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका सेकंड सही है। अगला है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा इसे। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। मतलब एक बालक जो है, जब एक शिक्षक वाष्पीकरण हो जाने का प्रयोग करके दिखाता है तो बालक क्या बताता है? मतलब बताता है पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो ये चार लाइनें हैं और इस पर आधारित हैं आपके 72 से 74 प्रश्न। हमारा 72वां प्रश्न है, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के वैकल्पिक विचार हैं, बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं, बच्चों की सोच गलत है, बच्चे अच्छा आकलन नहीं कर पाते हैं। तो क्या होगा आपके अनुसार इसका जवाब? तो देखिए, पहला ऑप्शन इसका सही है, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं, अपना अपना मत है, अपने अपने विचार है बच्चों ने प्रस्तुत किए, पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला है, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और उन्हें पुनः याद रखने के लिए कहें, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आपका ऑप्शन सही चौथा, मतलब उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक बार पुनः वाष्पीकरण पर जो है चर्चा करनी है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला आपका ऑप्शन है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? जल के 5 लाभ लिखिए, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, जल चक्र के क्रम के सोपान की सूची बनाइए, जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा बताना है। तो इसका आपका ऑप्शन सही है, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। अगला हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर राज्य के पड़ोसी राज्य नहीं हैं? पड़ोसी राज्य हैं, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन आपका सही है दूसरा, उत्तराखंड, इसका ऑप्शन आपका सेकंड सही है, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब, ये जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य के जो हैं पड़ोसी राज्य हैं। अगला देखिए आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये जो 76 नंबर का प्रश्न है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ घर, मतलब कैसे, मतलब निम्न स्थानों पर कैसे घर पाए जाते हैं? मनाली में कैसा घर होता है, राजस्थान में कैसा घर होता है, असम में कैसा होता है, लद्दाख में कैसा होता है, बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। देखिए मनाली में जो है वो पत्थर व लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं, इसीलिए ए का दूसरा सही है। राजस्थान में जो है
मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, बी का चौथा सही है। असम में जो है बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं, क्योंकि असम में जो है बाढ़ ज़्यादा आती है, इसीलिए सी का पहला सही है। लद्दाख में जो है वो होते हैं पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, इसीलिए डी का पांचवा सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन जो आपका थर्ड है वो सही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका 76 नंबर का। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन किस कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आपका ऑप्शन सही है पहला, जलवायु के कारण जो है पशुओं के त्वचा पर विविध पैटर्न पाए जाते हैं, पहला आपका ऑप्शन सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे प्रश्न आए सेम, लेकिन इससे रिलेट करके प्रश्न आते हैं, रिपीट होते हैं प्रश्न, ऐसा नहीं है कि सीटेट में प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं। थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे तो आपका जो है पेपर अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। संविधान, अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। तो इसका आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी यानी थर्ड, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। मच्छरों से फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा होगा, बताना है आपको। इसका ऑप्शन आपका 4 सही है, डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया। अगला है, घटपर्णी पौधा नेपेंथीस जिसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं कौन सी है, बताना है आपको, पढ़कर बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसका आपका ऑप्शन सही है ऑप्शन थर्ड, मेंढक कीड़े मकोड़ों चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है ये पौधा। अगला है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, पहला ऑप्शन इसका सही है, आंवला पालक और गुड़ में जो है प्रचुर मात्रा में लौह पाया जाता है। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी थे उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, ये थे दक्षिण अमेरिका से। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, तो इसका ऑप्शन आपका सही है फाख्ता, फाख्ता जो है वो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। अगला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताना है आपको, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है, या दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खाता है, यह लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, लंगूर चिंपांजी पैंडा स्लाथ, तो इसका आपका ऑप्शन सही है 4 स्लाथ। स्लाथ जो होता है भालू जैसा होता है लेकिन भालू जैसा भालू नहीं है, और यह दिन में जो है 17 घंटे सोता है, काफ़ी आलसी होता है, और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियाँ खाता है और उल्टा लटक कर सोता है।
अगला है, नीचे दिए गए जीवों के समूह में किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा ये मनुष्य की तुलना में चार गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। आपको बताना है कौन सा समुच्चय इसमें सही होगा। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो पता चल जाएगा आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। शायद आपको अब तक पता चल गया होगा, ऑप्शन थर्ड, चील, गरुण और गिद्ध। अगला हमारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है ये प्रश्न हमारा। एक फसल को काटने के पश्चात देखिए नीचे दिए गए खेती का विवरण पढ़िए और इसके ढंग को पहचानिए। ये प्रश्न है आपका, पढ़ लेते हैं। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगता है उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। कौन सी खेती होगी? सहकारी खेती, झूम खेती, सीढ़ी नुमा खेती, सिंचाई खेती। झूम खेती होती है ऐसे, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। जब एक सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? कौन सा ऑप्शन सही आपको बताना है पढ़ करके। इसका आपका ऑप्शन सही है पहला, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अगला है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, यह कथन है सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार को केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन आपका सेकंड सही है, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सेकंड सही है। देखिए हम लोग जो है लास्ट प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए 30 में से। अगर आप 20+ प्रश्न सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है और ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। अगर देखा जाए तो नॉर्मली से 22-23 प्रश्न तो आप सही कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है? उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय, क्षारी। ये होता है आपका, बताना है आपको कमेंट करके, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन आपका थर्ड सही है, अम्लीय होता है। लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का और बहुत ही लंबा प्रश्न है, पढ़ते हैं इसको। कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधे पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण करने के लिए कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। पहला वर्गीकरण है आपका दवाओं के गुणों वाली पत्तियाँ और दवाओं के गुणों से रहित पत्तियाँ। दूसरा वर्गीकरण किया बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियाँ। शिक्षक ने समूह ए को सही माना, समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है? आपको पढ़ना है और बताना है। देखिए जो इसका ऑप्शन आपका सही है वो आपका सही है ऑप्शन 4। वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही उत्तर होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका 4 सही है। तो दोस्तों मेरा वीडियो पे ख़त्म होता है, पर्यावरण का जो मॉक टेस्ट है समाप्त होता है। 30 में से जितने भी प्रश्न आप सही किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा।
और पहले आज का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा बाल विकास का मॉक टेस्ट का, तो आप उसे भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।